हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपको वेज सैंडविच बनाने की रेसिपी बताने जा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वेज सैंडविच बनाना, जिसके लिए मैंने कैप्सिकम लिया है, अनियन लिया है और कॉर्न लिया है। क्वांटिटी आपको लिखी हुई दिख रही होगी। और फिर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें मैं 3 टीस्पून बटर इसमें डाल रही हूँ और मेल्ट होने तक का इसका वेट करूँगी। ये देखिए, अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून बनारसी राई डालेंगे और जो मैंने चॉप करके जितनी भी वेजिटेबल्स रख रखी थी वो सारी वेजिटेबल हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसमें नमक आप स्वाद अनुसार डालिए, आप कम खाते हो कम डालिए, ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डालिए। और अब हम इसमें मैगी मसाला ऐड करेंगे, ये इसके फ्लेवर को और भी बढ़ा देगा। और फिर हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स और हर्ब्स जो पिज़्ज़ा में आप यूज़ करते हैं उसको हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पकने का वेट करेंगे। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर ये पेस्ट तैयार हो जाता है। ये देखिए, ये रेडी हो गया है। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और चलिए अब सैंडविच बनाने के आगे के प्रोसेस को शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस ये अभी ली है जिसपे मैं पिज़्ज़ा सॉस ये देखिए ऐसे लगा रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम इसके ऊपर जो पेस्ट हमने बनाया था वो हम इस पर रखेंगे और अच्छे से इसको फैलाएँगे। फिर हम इसके बाद मेयोनीज इसके ऊपर डालेंगे और उसको भी अच्छे से फैला देंगे। मेयोनीज फैलाने के बाद लास्ट लेयर हम मोज़रेला चीज़ की डालेंगे। ये सैंडविच मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और आपके बच्चों को, आपको, सभी को बहुत ही पसंद आएगी। अब हम इसको सैंडविच मेकर में हल्का सा बटर लगा के रख देंगे नीचे की तरफ और ये ऊपर भी। और ये देखिए, मिनटों में आपकी वेज सैंडविच बनके तैयार हो गई। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।